गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो वीडियो 7 है, चैप्टर 3। हम एक्सरसाइज 3 डिस्कस करने वाले हैं। ये जो हमारी एक्सरसाइज है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल पे बेस्ड है। उसके लिए हमने ऑलरेडी दो मेथड डिस्कस किए थे, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड। और जितनी भी हमें यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हमें दे रखा है कि हमारे पास दो टैंकर्स हैं जिनकी कैपेसिटी जो है वो 750 लीटर्स ऑफ मिल्क है। तो हमें मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है कंटेनर दैट कैन मेजर द मिल्क ऑफ ईच कंटेनर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो इस कंडीशन में जब भी हमें मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी होती है तो हमें एचसीएफ निकालना होता है। एचसीएफ निकालने के लिए हम यहाँ पर जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर जो हमारे टैंकर्स हैं उसकी कैपेसिटी एक की 700 और दूसरी 750 लीटर्स है। तो 700 का हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये हो गया आपका 350। उसके बाद में आ गया आपका 175, फिर ये हो गया 5, फिर ये हो गया आपका 35, उसके बाद ये 5 हो गया, ये 7 हो गया और उसके बाद हमारा क्रॉस हो गया। इसी तरीके से अगर हम 750 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से स्टार्ट करेंगे, 375 आया, उसके बाद ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से करेंगे, 125 आ गया, फिर ये हमारा 5 से डिवाइड होगा, 25, फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 5, और 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 हो जाता है। उसके बाद हमें इसका एचसीएफ निकालना है, तो हमें इनको फैक्टर्स को जो है अरेंज करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 5 × 5 × 7। और 750 के जो फैक्टर्स हैं हम इस तरीके से लिखेंगे, 2 और 3 को हम थोड़ा सा इस तरफ लिख देंगे, फिर हमें 5 × 5 × 5 लिखना है। जैसे कि हमारे एचसीएफ में क्या होता है, जो हमारा कॉमन फैक्टर्स होते हैं उसमें हम लोवेस्ट टर्म यूज़ करते हैं। इसमें हमारे कॉमन फैक्टर्स है तो हमारी लोवेस्ट टर्म क्या हो जाएगी, 25। तो हमारा जो एचसीएफ है, एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, 2 × 5 × 5 एंड दिस इज़ इक्वल टू 50 लीटर्स। तो हमारा आंसर जो है 50 लीटर आ जाता है। उसके बाद हम मेरे क्वेश्चन नंबर जो है 2 में देखेंगे। इसमें हमारे को 3 बॉयज़ के बारे में दे रखा है जो स्टेप ऑफ मतलब वो जंप लगाते हैं, और उनकी जो स्टेप का जो मेजरमेंट है वो एक का 65 सेंटीमीटर, दूसरे का जो है वो 70 सेंटीमीटर है, और तीसरे का जो है वो 75 सेंटीमीटर है। तो हमें मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम लेने के लिए हमारे पास जो है लॉन्ग डिविजन मेथड ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। तो सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 65, 35 और 75 हो जाएगा, फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 65, 35 और 25 आ जाएगा, फिर ये हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 13, 7 और 5 आ जाएगा, फिर इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे 13, 7 और 1 आ जाएगा, फिर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे 13, 1 एंड 1 आ जाएगा, फिर इसको हमें फाइनली 13 से डिवाइड करना है तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास में अगर हमें इसका एलसीएम निकालना है तो ये जितने भी नंबर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को 7, 5, 5, 5 इन 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर जो है वो 13,650 जो सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम दे रखी है, और जो मेजरमेंट्स हैं वो हमें मीटर और सेंटीमीटर दोनों में दे रखे हैं। तो व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट लेंथ, ग्रेटेस्ट लेंथ का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर एचसीएफ कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट है उसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास में जो रूम है उसकी जो लेंथ दे रखी है वो कितनी हो गई, 630 सेंटीमीटर। जो उसकी ब्रेथ है वो हमारे पास में है 585 सेंटीमीटर, और जो उसकी हाइट है वो हमारे को दे रखी है 360 सेंटीमीटर है। पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, और यहाँ पर भी हमें मैक्सिमम कैपेसिटी बोल रखी है, तो मैक्सिमम कैपेसिटी का मतलब यही होता है कि आपको एचसीएफ निकालना होता है। तो हमने इसको 360, 585 और 630, एचसीएफ निकालने के लिए पहले हम इसको उससे डिवाइड करेंगे। तो हमने 360 को 585 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ रहा है इसको बनचा 360, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 225। फिर हमें वापस इसका आगे डिवीजन कंटिन्यू करना है तो हम इसको 360 से डिवाइड करेंगे, ये बनचा हो जाएगा, ये 225, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, 135 को डिवाइड किया तो ये 225 और ये 1 हो गया, ये 135 और ये हो गया आपका 90।
फिर 90 को वापस 135 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये हो गया वंजा। 90 सब्ट्रैक करेंगे तो कितना आ जाएगा 45, 45 को वापस 90 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2। अब हमारा डिवीजन जो है वो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमें और डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो हमें लास्ट नंबर मिलता है वो क्या हो जाता है, HCF। ये जो HCF है इन दोनों नंबर का HCF है, यानी कि 360 और 585 का जो HCF है वो हमारे पास में 45 आ चुका है। फिर हम 45 का और 630 का HCF निकालेंगे, तो हमें 45 को 630 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम इसको उससे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, 45 बचा, 45 सब्ट्रैक करेंगे तो ये हो गया हमारा 18। 0 कैरी में चला जाएगा, फोर्जा जो होता है हम जानते हैं 180 होता है, और इसको डिवाइड करने के बाद ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है इसका मतलब जो है हमारा HCF कितना हो जाएगा 45, यानी कि जो ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ टेप हमारी रिक्वायरमेंट है वो है हमारी 45 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है। इसमें इन्होंने हमें ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर निकालने को बोल रखा है जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ 8, 15 एंड 21, यानी कि हमें पहले तो 5 डिजिट नंबर ऐसा ढूंढना है जो तीनों गिवन नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। तो इसमें हमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ता है, जो तीन नंबर हमें दे रखे हैं जिनसे वो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए उसको पहले हमें एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पर हम डिवीजन मेथड यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे लिए ईजी रहेगा। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो हमारे को नंबर्स दे रखे हैं वो हमारे पास तीन नंबर हैं और इनसे डिवाइड होने वाला एक 5 डिजिट नंबर ढूंढना है, तो हम इसका पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालेंगे, ये 4, ये 15 एंड 21, फिर इसको 2 से करेंगे तो ये 2, 15 एंड 21, फिर इसको 2 से वापस करेंगे तो 1, 15 एंड 21, फिर इसको हम 3 से करेंगे तो ये 1, 5 और 7, फिर इसको 5 से करेंगे तो 1, 1 एंड 7, फिर इसको 7 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब हमें इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर कितना आ रहा है, 840। अब हम जानते हैं कि जो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है वो तो 5 डिजिट नंबर जो है वो 99,909 होता है, लेकिन ये इन तीनों से डिवाइड नहीं होता, तो इन तीनों से जो डिवाइड होगा वो कौन सा होगा। पहले हम इसको इसका जो एलसीएम था 840 से डिवाइड करके इसको देखते हैं, 1 जा 840, इसको सब्ट्रैक किया तो हमारे पास में 159 आया, ये कैरी से नीचे आ गया, फिर हमने 1 जा किया 840 तो ये हमारा आंसर आया 759, फिर उसके बाद में हमने एक और कैरी से नीचे ले आए, ये हो गया 9 जा तो ये हो जाएगा 7560 और सब्ट्रैक कर दिया तो आंसर कितना आ जाएगा, 39। अब हमारे को 99,999 में 39 को माइनस करना पड़ेगा, तो 99,999 में से अगर हमने 39 माइनस किया तो हमारा आंसर आता है 99,960। दिस इज़ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर जो कि इन तीनों से 8, 15 और 21 तीनों से जो है वो डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 25, 40 एंड 60 लीव्स ए रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो यहाँ पर भी हमें जो गिवन नंबर्स दे रखे हैं उसका पहले क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके अंदर हमारे को जो तीन नंबर्स दे रखे हैं वो हैं 25, 40 एंड 60। तो और उसके बाद में है उसमें हमें एक ऐसा नंबर निकालना है स्मॉलेस्ट नंबर जो कि इन तीनों से जब डिवाइड होता है तो जो तीनों से डिवाइड होगा तो हमेशा जो रिमाइंडर है वो 7 रखता है। तो हम इसका पहले क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालेंगे, ये 25 हो जाएगा, ये 20 एंड 30, फिर इसको हम 2 से करेंगे तो ये 25, 10 एंड 15, फिर इसको 2 से करेंगे तो ये 25, 5 एंड 15, फिर अब ये आगे हमारा 2 से नहीं होगा, इसको 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 25, 5 एंड 5, फिर अब हम इसको 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 1 एंड 1, उसके बाद इसको फिर से 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 1 एंड 1। अब हमें इन तीनों सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर कितना आ रहा है, 600। तो बेसिकली जो हमारा
जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है विच कैन बी डिवाइडेड बाय, जो कोई भी नंबर जिसको कि हम 25, 40 और 600 तीनों से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है 7 आता है। इसको हम कैसे निकालेंगे, एलसीएम प्लस 7, तो हमें रिमाइंडर 7 लेना है, तो हम इसके अंदर 600 में 7 जोड़ देंगे, तो 607 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमें स्मॉलेस्ट 4-डिजिट नंबर निकालना है विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32। इसमें हमें स्मॉलेस्ट 4-डिजिट नंबर निकालना है, तो वहाँ पर लेकिन यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, जो 18, 24 और 32 है इसका पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप जो है हमारा सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो है हमको पहले 18, 24 और 32 का एलसीएम लेना है, तो ये हो गया आपका 2, 9, 12 एंड 16। फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, 6 एंड 8। फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, 3 एंड 4। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 9, 3 एंड 2। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 9, 3 एंड 1। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे 3, 1 एंड 1। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। फिर हमारे पास ये जितने भी नंबर आ रहे हैं इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, 288। हम जानते हैं कि जो हमें स्मॉलेस्ट 4-डिजिट नंबर निकालना है, तो जो हमारा स्मॉलेस्ट 4-डिजिट नंबर होता है वो कितना होता है, 1000। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ये नहीं है, हमें क्या करना है, वो इन तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। तो हम 1000 में पहले क्या करेंगे, 288 को डिवाइड करेंगे। 288 को डिवाइड करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है, 136। तो यानी कि हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो कितना होगा, 1000 प्लस 288 माइनस 136। यानी कि 1000 में हम क्या करेंगे, 152 को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1152। दिस इज़ द स्मॉलेस्ट 4-डिजिट नंबर जो कि 18, 24 और 32 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमको करना है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 445, 572 एंड 699 लिविंग रिमाइंडर 4, 5 एंड 6। जब हमें रिमाइंडर छोड़ना होता है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, पहले रिमाइंडर्स को माइनस करके फिर उसका जो है एचसीएफ निकालना होता है, क्योंकि इन्होंने हमें ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है। अगर हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, एचसीएफ निकालना पड़ता है। लेकिन हमारे पास जो नंबर हैं 445 है और है 572 है और तीसरा नंबर क्या है 699, इसमें तीनों में अलग अलग रिमाइंडर, इसमें रिमाइंडर कितना है 4, तो अगर इसको 4 माइनस करेंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा 441, इसमें रिमाइंडर कितना है हमारा 5, तो इसमें रिमाइंडर कितना आ जाएगा 567, और इसमें जो है 6 रिमाइंडर रखना है तो इसका आंसर आ जाएगा 693। अब हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए पहले इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, 567 से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा ये हो गया 441 और सबट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 126 आता है। फिर इसको वापस 441 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 376। इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 63 को 126 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2126 और ये हमारा आंसर कितना आ गया, 0। तो जब ये रिमाइंडर आ गया यानी कि इन दोनों का जो जब रिमाइंडर 0 आ गया यानी कि इन दोनों का जो एचसीएफ है वो कितना है, 63। अब 63 और 699 का हमको क्या करना है, 693 का जो है हमें वापस एचसीएफ कैलकुलेट करना है, यानी कि 63 को 693 से हम डिवाइड करेंगे। 693 से डिवाइड करते हैं तो 1 हो गया 63 और ये हो जाएगा 1 63। यहाँ पर भी हमारा रिमाइंडर 0 आ गया यानी कि 63 जो है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। उसके बाद में जो है हमारे जो आगे वाले जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट जो है उनका पैटर्न सेम ही है और इसके साथ में जो है आपको उसकी पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है, तो आप अपनी पीडीएफ को स्कैन करें, ढंग से देखें और जो इस एक्सरसाइज के जो 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं वो आप खुद से ट्राई करेंगे। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 3।